अच्छा प्लेयर हमेशा अपना टीम को जिताने के बारे में सोचता है। अधिकारिक ट्रेलर लुक सामने आया। आमिर खान, आरएस प्रसन्ना, दीपिका पादुकोण। दोस्तों मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं लाइन एक्सप्लेन 007। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं और ये फिल्म आरएस प्रसन्ना की चैंपियंस रीमेक। ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसे चैंपियंस कहा जाता है और आमिर इस फिल्म का रीमेक कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान दुगनी तैयारी के साथ करेंगे वापसी। ये फिल्म बनाने जा रहे हैं रीमेक। आमिर खान और कंट्रोवर्सी इस समय एक दूसरे के प्रवाची हो गए हैं। कुछ ही समय पहले आमिर खान भारत लौटे हैं। वो शहर में मुंह छिपाते दिखाई दिए। माना जा रहा था कि आमिर खान ने मुंह छिपाया अपनी ताजा कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो आमिर खान अब अपनी अगली फिल्म के लुक में आ चुके हैं और इसलिए आमिर खान ने अपना चेहरा छिपा के रखा है। माना जा रहा है कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद एक बड़े झटके में आ चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी गलती अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं और ये फिल्म है आरएस प्रसन्ना की चैंपियंस रीमेक। ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसे चैंपियंस कहा जाता है और आमिर इस फिल्म का रीमेक कर रहे हैं। फिल्म में एक बास्केटबॉल कोच की कहानी है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो शराबी भी है, इसलिए उसे गुस्से पर काबू रखने के लिए एक ऐसी टीम को ट्रेन करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जिसका हर खिलाड़ी किसी न किसी शारीरिक या मानसिक विक्षिप्तता का शिकार है। अब इस टीम को विजेता टीम बनाना ही इस कोच का मकसद है। गौरतलब है कि फिल्म की तुलना काफी हद तक शाहरुख खान की चक दे इंडिया और अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान से की जाती है। दोस्तों ऐसे में देखना होगा कि आमिर खान इस रीमेक को कितनी अलग तरीके से पेश करते हैं, खास तौर से तब जब उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो कि फॉरेस्ट गप का आधिकारिक रीमेक थी, दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दी है। गौरतलब है कि आजकल आमिर खान कियारा आडवाणी के साथ अपनी एक एड फिल्म को लेकर चर्चा में है। ये एड भारत की प्रथाओं को बदलने की बात करता है। इसके लिए एड में आमिर खान कियारा आडवाणी की शादी होती है और विदा होकर कियारा ससुराल नहीं जाती बल्कि आमिर खान की ससुराल जाते हैं। इसके बाद से अब आमिर खान को सनातन धर्म की परंपराओं पर प्रहार करने के लिए निशाने पर रखा जाता है। तो इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।